सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मुझे पसीने आ रहे हैं। मैं बाहर से आ रहा हूँ जो कि, तो मुझे पसीने आ रहे हैं। और इस गर्मी में भी हम ओइस्टर मशरूम को जो है, इस गर्मी में भी हम ओइस्टर मशरूम को बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी में जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि तपती गर्मी में कैसे अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करके और ओइस्टर मशरूम को जो है ग्रो कर सकते हैं। तो आते हैं इस वीडियो के मेन जो टॉपिक है, वो कि हम इस 100 रुपये किलो वाले फ्रेश ओइस्टर मशरूम का, या फिर आपके हिसाब से आपके शहर में जो भी रेट हो, इसको हम 4 गुना 5 गुना ज़्यादा, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ 100 रुपये किलो है, तो इसको हम 800-900 रुपये में कैसे बेचें और उसको इस लायक कैसे बनाएं। तो सीधी सी बात है, हम इसको सुखाएंगे और सुखा के हम इसको, आज अगर 100 रुपये है तो हम इसको 800 रुपये किलो तक या फिर 1000 रुपये किलो तक बेच सकेंगे, या फिर उससे ज़्यादा। आपके यहाँ का मार्केट और कंज्यूमर कैसे हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने रेट भाव में बेच पाएंगे। लेकिन हाँ, ये तय है कि फ्रेश ओइस्टर मशरूम के मुकाबले जो आपका ड्राई ओइस्टर मशरूम होगा, ड्राई, तो ये ज़्यादा ही, मतलब इसका रेट बहुत ज़्यादा ही होगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको ड्राई क्यों करें, इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको ड्राई सही तरीके से कैसे करना है, कैसे हम इसे सुखा के और सही तरीके से कैसे सुखाया जाए। तो हमें इसे सुखाना क्यों चाहिए, ड्राई क्यों करना चाहिए? इसको ड्राई करना करने का मकसद हमारा ये रहता है कि अगर मान लीजिए हमारे यहाँ अभी रेट बहुत सस्ता हो गया, हालांकि गर्मी में तो इसका रेट बहुत कम होगा, नहीं होगा तो जाड़ों के मौसम में जहाँ की बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है और खपत बहुत कम हो पाता है, तो हमें ठंड के मौसम में इसका रेट बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि मशरूम तो ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा बाज़ार में आ जाते हैं। इसीलिए हमें, अगर ऐसे में रेट सस्ता हो जाए, आपको बढ़िया रेट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करें कि इसे ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद आपका जो है, आपको ये ज़रूरी नहीं रहेगा कि आप कल परसों या फिर आज ही बेचें, आप इसे साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, करीब 1 साल तक। और 1 साल के अंदर में जब भी आपका सूखे मशरूम का भाव बहुत अच्छा मिले, तब आप इसे बेच सकते हैं। और दूसरी बात कि ये ख़राब नहीं होने वाला। आप इसको अगर एयरटाइट, सुखा के एयरटाइट कर दें तो ये ख़राब नहीं होगा। और ऐसे ही अगर हम मार्केट ले जाते हैं, तो शायद जब फॉर्म पे रहता है तो टेक्सचर दूसरा हो, और जब हम मार्केट तक पहुंचाते हैं तो इसका टेक्सचर बदल जाता है और क्वालिटी में कमी आ जाती है, लेकिन ड्राई होने पे ऐसा नहीं होता है। और सुखाने के अलावा हम इसको पापड़ में, चिप्स में और बिस्किट्स वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसको, इसके रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं और बहुत ही ज़्यादा इनकम होता है किसानों को। और इसको सुखा देने के पीछे एक और फ़ायदा है कि अभी अगर ताज़ा ओइस्टर मशरूम हम अपने नज़दीकी मार्केट में ले जा के बेचने के लिए मजबूर हैं, तो जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसे ऑनलाइन या फिर दूर दराज के, जहाँ अच्छे रेट मिल रहे हैं इसके, हम वहाँ मार्केट तक इसको पहुँचा सकते हैं, और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि हम इसके सूखे मशरूम के लिए कस्टमर खोज सकें। तो कोई जल्दबाजी नहीं रहती है और कोई ज़रूरी नहीं रहता है कि हम आज के आज ही बेचें। जब आपको अच्छा इसका मूल्य देने वाला कस्टमर मिले, तब आप इसे बेच सकते हैं। जिस मार्केट में आपको इसको अच्छा रेट मिले, वहाँ आप बेच सकते हैं। तो ये रही कुछ जानकारियाँ मोटा मोटी हिसाब से, क्यों हमें मशरूम को ड्राई करके बेचना चाहिए, इसका वैल्यू जो है बढ़ जाता है, इसका प्राइस बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है, वो मैंने मोटा मोटी तौर पे बता दिया। हालांकि इसके और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमें ड्राई करके बेचने पे। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि ड्राई इसको सही मायने में कैसे करना है, और ड्राई करने के बाद हम इसे पैकिंग करके कैसे ले जाएँ, और क्या प्रोसेस होता है इसे ड्राई करने का। ओके, तो इसको ड्राई करने के प्रोसेस में सबसे पहले ये रहा हमारा ओइस्टर, फ्रेश ओइस्टर मशरूम। हम इसको तोड़ लेंगे, और ये जो छोटे वाले हुए हैं हम इसको ऐसे ही रख देंगे, बाकी जो बड़े हैं हम इसको यहाँ से बीच से ऐसे 2 टुकड़े में कर लेंगे, और इसी हिसाब से हम सारे के सारे पहले अलग कर लेंगे।
छोटे वाले को हम सीधे से रख देंगे, लेकिन जो बड़ा वाला है हम बड़े वाले हिस्से को ऐसे दो टुकड़े में या फिर तीन टुकड़ों में कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब इसको भिगा के कस्टमर इसको भिगा के सब्ज़ी बनाना चाहेगा तो उसको ये आसानी होगा, क्योंकि ये सूखने के बाद इतने आसानी से टूटता नहीं है, टाइट हो जाता है। इसीलिए हम इसको ऐसे बिल्कुल पतला पतला चीर लेंगे, और ये ऐसे पतले हो जाने के बाद ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसी हिसाब से हम अपने सारे फ्रेश ऑयस्टर मशरूम को इसी तरीके से पतला कर लेंगे, दो टुकड़े तीन टुकड़े में कर लेंगे। तो ये हो गया, और अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास ड्रायर है तो आप इसे ड्रायर में सुखा दें, नहीं तो हम इसे सीधे सीधे ऐसे करके ले जाके धूप में हम सुखा सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि ये बहुत बढ़िया से ही सूख जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत बढ़िया से सूखा नहीं रहेगा तो इसमें से स्मेल आएगा और साथ साथ इसमें फंगस भी लग जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा कि हम इसे बहुत ही बढ़िया से सूखा लें। तो आइए चल के देखते हैं हम इसको पैकेज कैसे करना है, पैकेट कैसे बनाना है और कैसे दिखता है सूख जाने के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये सूखा के ऑलरेडी रखा है। ये ठंड के मौसम के जो मशरूम है, और अभी इसका रेट बहुत बढ़िया आया है तो मैं अब इसे सेल करने वाला हूँ। तो मैंने ऑलरेडी ऐसे अलग अलग टुकड़े बना दिए थे और इसको चीर के छोटा कर लिया था टुकड़े। अगर बड़े फूल हैं तो इसको दो तीन टुकड़े, और छोटे हैं तो कोई बात नहीं। और ये बहुत बढ़िया और कड़क सा सूख गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये थोड़ा टाइट भी हो गया है, इसीलिए हमें सुखाने से पहले ही इसको अलग अलग कर लेना है। और सूख जाने के बाद ये टाइट जो हो जाता है, इसीलिए हमें इसको पहले ही अलग कर लेना है। तो ये रहा सूखा हुआ मशरूम, ड्राई ऑयस्टर मशरूम। अब हम इसको पैकेट बनाते हैं और वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रहा जो कि मैंने पैकेट बना लिया है, और ये देखिए इसका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया दिख रहा है। और मैंने अब इसको एकदम आसानी से कर लेना है एक मोमबत्ती जला के, और इसको आग से यूँ प्लास्टिक जो है फोल्ड करके और इसको पिघला के चिपका देना है। तो और ये ध्यान रहे कि कोई प्लास्टिक मतलब खुली ना रहे, नहीं तो इसमें मॉइस्चर अंदर जाएगा और इसमें फंगस जो है लग जाएगा। तो बस दोस्तों यही है इसके ड्राई करने का प्रोसेस और पैकेजिंग करने का। और आप भी ऐसे करके जो है 100 रुपये किलो वाले मशरूम को 800, 900 या फिर 1000-1200 तक बेच सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। नमस्कार।